मैं एक सर्कल बनाता हूँ और बीच में एक लाइन खींच देता हूँ। अब जब मैं उस लाइन को उठाकर उस सर्कल पे लपेटने लगूंगा तो मुझे उसी लेंथ की कम से कम 3 लाइनें लग जाएंगी, जिसके बाद जो स्पेस बचेगी अगर हम उसे भरने लगे तो 0.141 जैसे नंबर तो हमारे सामने आएंगे, लेकिन अगर हम जूम करते रहे तो डिजिट्स इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। थ्योरेटिकली हम इन दो लाइन्स को जोड़ नहीं सकते, इसीलिए हम 3.141 तक लिख देते हैं और इसे ही तो पाई कहा जाता है, इसीलिए तो पाई की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन एक सेकंड, कथ्यायना सुलभ सूत्र के श्लोक को अगर हम समझने लगे तो ये कह रहा है कि अगर एक रस्सी एक घेरे को एक बार काट दे तो वही रस्सी उस घेरे का 3 बार आवरण भी कर लेगी। मतलब वंस अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज नियरली इक्वल टू 3 टाइम्स अराउंड द सर्कल। मतलब एक सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो की बात हमें सुलभ सूत्र में पहले ही मिल जाती है।